हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज मैं बताऊंगा कि कैसे हम सैमसंग के किसी भी फ़ोन्स में कस्टमाइज़ करके ये जो वॉल्यूम स्लाइडर देख रहे हो ना, ये वाला देखो इस तरह से, इसको हम कैसे बना सकते हैं। बहुत ही मस्त दिखता है और मैं बताऊंगा सब कुछ कि कैसे किया है। कस्टमाइजेशन का से रिलेटेड पूरा एक सीरीज़ है, प्लेलिस्ट है, बना पड़ा है। तो जाके अगर आपको सैमसंग को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हो, एज लाइटनिंग हो और कई चीज़ें हैं जो कि और अब आ रहा है धीरे धीरे, तो उस प्लेलिस्ट को जरूर देखना यार अगर सैमसंग के फैंस हो तो। ठीक है, फटाफट से मैं चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे और दिखाता हूँ कैसे हम वॉल्यूम स्लाइडर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। थीम्स लगा सकते हैं उसमें, जो अभी मैंने दिखाया कि RGB लाइटनिंग वगैरह था उसको लगा सकते हो, तो ईजी कर सकते हो। बस आपको कुछ स्टेप है फॉलो करना है। चलो दिखाता हूँ। ओके, तो ये है मेरा सैमसंग का S21 FE, जिसमें अपना वॉल्यूम स्लाइडर कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो कि मस्त दिख रहा है। यहाँ से देखो, यहाँ तो कुछ इस तरह से जगमग जगमग करता हुआ दिख रहा है। इसको हम कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको गैलेक्सी स्टोर पे जाना है, यहाँ से ऐप डाउनलोड कर लेना है, ये गुड लॉक, इसको ओपन कर लेना है। इसको मैंने डाउनलोड कर रखा है एक कस्टमाइजेशन AOD कस्टमाइजेशन वाले वीडियो में, प्लेलिस्ट है पूरा भाई, देख लो यार। और उसके बाद इसको ओपन कर लेना गुड लॉक को, यहाँ लाइफ अप पे आना, यहाँ साउंड असिस्टेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पहले डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा, तो क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। मैं ओपन कर लेता हूँ फिलहाल। अब यहाँ से देखो, कस्टमाइज वॉल्यूम पैनल पे क्लिक करोगे तो इसको इसमें आपको कई सारे जो है कस्टमाइजेशन के लिए मिल सकता है। ये देखो, कुछ इस तरह से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, पैनल भी अलग से आप लगा सकते हो, लेकिन मेरे को फिलहाल ये वाला भी नहीं चाहिए। आपको चाहिए, अगर कर रहे हो तो देख लेना अपने हिसाब से। मेरे को चाहिए मेक योर ओन वॉल्यूम पैनल कंट्रोल्स। तो देखो, फ्लेक्स UI, वॉल्यूम UI इस तरह से कुछ दिख रहा है। यहाँ से आप इफेक्ट जो है चेंज कर सकते हो, अलग अलग इफेक्ट मिल जाएंगे, जिसको आपको लगाना है वो लगा सकते हो। टेक्सचर में आपको कैसे चाहिए, इस तरह से देख रहे हो अभी फिलहाल, फिर इस तरह में इसमें आकर एक्रेलिक में कुछ इस तरह हो जाएगा। मैं फिलहाल ये मेस वाला डिज़ाइन, ठीक है। कंट्रोल में कैसे चाहिए, ये बार वाला चाहिए या फिर ये नॉब, इसमें क्या है कि आप जैसे करोगे तो दिखाते हैं। ये देखो, कुछ इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। मेरे को तो ये भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसको नॉर्मल करते हैं अपन, बार वाला ही ठीक है। यहाँ शेप मोटा चौड़ा और लंबा पतला सब जैसे भी आपको मतलब करना है वो कर सकते हो। मेरा डिफ़ॉल्ट वाला ठीक है, सही है, पतला वाला भी है, मोटा वाला भी है, और कैप्सूल डिज़ाइन अलग अलग डिज़ाइन से में है यार, तो देख लेना। इस तरह से आप ये फ्लेक्स UI को इजीली सेट कर सकते हो। इसके अलावा आपको नीचे मैं एक और फीचर दिखाता हूँ जो कि ज़्यादा यूजफुल हो सकता है आपके लिए, ये वॉइस चेंजर। इसमें भी आप मस्त कई सारे देखो वॉइस इफेक्ट दिए हैं, लड़की का है, मिडिल एज मैन, साईफाई, हॉरर, और ये पता है इथेरियल, वार्बलिंग, लोफी, लैंडलाइन, बेबी, रोबोट, ये सब है। अलग से यहाँ कस्टमाइज भी कर सकते हो। मतलब सैमसंग एक तो कुछ चीज़ देता नहीं है, देता है तो भर भर के देता है भाई, कस्टमाइज़ करते रहो आप बेल के। तो ये तो था कुछ मेरा। एक और चीज़ था यार जो कि मैं सोचा कि आपको बता देता हूँ, कस्टमाइजेशन सैमसंग तो पहले कुछ ही नहीं देता था, पहले कुछ देता ही नहीं था, मतलब कस्टमाइज़ ज़्यादातर कर नहीं सकते थे। लेकिन जैसे जैसे UI अपडेट होते गए, बढ़िया बढ़िया फीचर्स आते गए, अभी भी कुछ चीज़ें कमी है, जैसे नेट स्पीड मीटर वगैरह का कमी है, और गेम मोड में थोड़ा सा दिक्कत है। तो सैमसंग हो सकता है कि अगले अपडेट में, अगले एंड्रॉयड अपडेट में किसी सुधार ले, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जब मतलब जब भी अपडेट आया है तो तगड़े से आया भाई। ये सब कस्टमाइजेशन पहले दूर दूर तक लगा भी नहीं था कि आएगा, लेकिन अब एक नंबर कस्टमाइजेशन कर पा रहे हो आप अपने मोबाइल को। मैं बहुत खुश हूँ भाई इस बात से, बस थोड़ा सा और फीचर देना पड़ेगा। ठीक है, तो बस कंटिन्यू करते हैं। सैमसंग का S21 FE, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सैमसंग के S21 FE में ही सैमसंग के सभी फ़ोन्स में कस्टमाइजेशन दिया गया है। इस समय तो वैसे भी 4 साल 5 साल के अपडेट से ऊपर ही आता है तो फ़ोन आ रहा है मेरा, ये देख रहे हो, इसको भी हम अपडेट कर सकते हैं, मतलब कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आप बताना क्या लग रहा है। ठीक है, फिलहाल मैं बात कर लेता हूँ। और बहुत सारे कस्टमाइजेशन हैं, वीडियो प्लेलिस्ट को फॉलो करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपको वीडियो मिलते रहेगा। सैमसंग का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ मैं, वैसे से बहुत सालों से चला रहा हूँ भाई। मैं सोचा रहा कि सैमसंग ही लूँगा, लेकिन अब तो खैर दोनों है तो दिक्कत ही नहीं है। फिलहाल बस इस वीडियो में इतना, उम्मीद है वीडियो पसंद आओ, पसंद आओ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।